इंडियन इकोनॉमी की प्रॉब्लम को और आगे बढ़ाएंगे, जैसा कि मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रॉब्लम को हम डिस्कस कर रहे थे, तो बाद में थोड़ी सी नेटवर्किंग की प्रॉब्लम की वजह से वीडियो थोड़ी सी बीच में ही डिस्टर्ब हो गई, तो आइए और वीडियो आगे बढ़े। तो मतलब यहाँ पे हम भी बता रहे थे कि जैसे कि स्वतंत्र जब भारत हुआ, तो उसके बाद जैसे उस समय गुलाम जो किसान थे उनको गुलामी के थ्रू खेती कराया जाता था, और जबरदस्ती की नहीं आप ये वो करो, तो स्वतंत्रता के बाद मतलब कृषि को सुधारने के लिए कि नहीं ऐसा नियम बना जिससे कि ऐसे भू संबंध विकसित करना जहाँ खेती करने वाले ही वास्तविक मालिक हों। उसके बाद और आगे आएंगे तो भू व्यवस्था में समस्त बाधाओं को दूर करना जिससे जो कि यहाँ पे शोषण रुक सके, तो भू व्यवस्था में समस्त बाधाओं को दूर करना जिससे कि शोषण रुक सके, तो मतलब जबरदस्ती मतलब किसानों से कोई शोषण उनका ना करे, उनको जबर दबाव में न रखे जो कि भू मालिक पहले होते थे, तो वो सब यहाँ पे सिस्टम में चल सके, इसीलिए ताकि ऋण लोगों की ऋणियों कही जाती है कृषि, तो वो काम सुचारू रूप से चल लेते। उसके बाद कार्य को हम डिस्कस करेंगे, बस आपका काम है सुनना, हम धीरे धीरे पूरी श्रृंखला यहाँ पे खत्म करेंगे। तो कार्य क्या हो, तो मध्यस्थों का उन्मूलन, दो मध्यस्थों के उन्मूलन में जो कि मध्यस्थों का उन्मूलन, तो इसके द्वारा तहत जमींदारी या उस जैसी सभी व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया गया, सब भूमि में के संबंध में किसानों का सीधे सरकार से संपर्क हुआ, तो मतलब जो कि दिया के मध्यस्थ जो होते थे जिसे दलाल वगैरह बोलते थे, तो दलाली वगैरह सब न चले, जमींदारी वगैरह सब प्रथा खत्म कर दिया गया, तो कार्य मध्यस्थों का उन्होंने तो इसके तहत जमींदार या उसके जैसी सभी व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया है, तथा भूमि का संबंध में किसानों का सीधा संपर्क सरकार से हुआ, तो सरकार से संपर्क हुआ जो कि यहाँ दिया। उसके बाद काश्तकारी सुविधा के लिए जो व्यवस्था किया गया, तो इंडियन इकोनॉमी में ये सब कृषि एवं प्रौद्योगिकी में भी आता है, तो ये कृषि एवं प्रौद्योगिकी का टॉपिक आप मान सकते हैं, तो जो कि बहुत सारे PCS UPSC वगैरह पूछता है, तो कृषि एवं प्रौद्योगिकी में ये सब जो आता है तो उसी को हम डिस्कस करेंगे। तो काश्तकारी सुधार, तो इसके अंतर्गत लगान का नियमन किया गया, काश्त अधिकारों को संरक्षित किया गया, तथा काश्तकारों को भूमि का मालिकाना हक दिलाया गया, तो जो कि यहाँ पे दिया गया था काश्तकारी सुधार में इसके द्वारा अंतर्गत जो कि लगान तथा नियम का नियमन की जो पहले लगान वगैरह लगता था कि नहीं इतना लगान होगा, अगर इतना खेती करेंगे तो आपको इतना लगान टैक्स भरना होगा, लगान समझ लिए एक तरह से टैक्स ही था, तो वो सब खत्म किया गया कि कृषि भी ये सब नहीं होना चाहिए। रवि तो जबरदस्ती यहाँ पे जो होते थे कि जमींदारों से खेती, उसके बाद टैक्स वगैरह भरवाते थे, उनका शोषण करते, तो ये सब खत्म होते थे। काश्तकारी सुधार, तो ये सब खत्म किया गया, इसके अंतर्गत लगान का नियम किया गया, का नियमन किया गया, तथा काश्त अधिकारों को संरक्षित किया गया, तथा काश्तकारों को भूमि का मालिकाना हक दिलाया गया। उसके बाद कृषि का पुनर्गठन, तो कृषि का पुनर्गठन को हम जानेंगे, तो कृषि के पुनर्गठन में क्या क्या होता है, तो इसके अंतर्गत कृषि भूमि का पुनर्गठन किया गया, जो कि यहाँ दिया गया है कि इसके अंतर्गत कृषि भूमि का पुनर्गठन किया गया, अधिकतम भू सुधार का निर्धारण कर अतिरिक्त भूमिहीनों में बांटा गया, तो कृषि का पुनर्गठन पहले जो जमींदार थे तो वो अपना जबर हक वगैरह से, तो यहाँ पे जिनके पास भूमि नहीं थी तो मतलब किसी का पुनर्गठन किया, तथा जिनके पास जमीन है उनको भी कुछ जमीन दिया गया, तो इसके अंतर्गत किसी भूमि का पुनर्विवरण किया गया, तथा अधिकतम भू सुधार का निर्धारण कर अतिरिक्त भूमिहीनों में बांट दी गई। उसके बाद अतिरिक्त चकबंदी के माध्यम से छोटे छोटे चकों को मिलाकर एक बड़ा चक बनाया गया, तो
चकबंदी जैसे होता किसी का, इतना छोटा छोटा एक खटिए की जगह एक इतना कह सकते हैं, या एक चारपाई की जगह कितना किसी का यहाँ पे है, किसी का दूसरी जगह पे है गांव के उस छोर में है तो कहीं यहाँ, तो इसमें चकबंदी सिस्टम जैसे एक यहाँ पे है किसी का कि थोड़ा सा यहाँ थोड़ा सा यहाँ, तो चकबंदी के थ्रू तो ये थोड़े थोड़े मिला कि ये जगह उसको एक बड़ा प्लाट जिसे बोल सकते हैं या कुछ बोल सकते हैं एक जगह किया गया, तो ये चकबंदी वाला सिस्टम लाया गया। तो यहाँ पे वही है, तो अतिरिक्त चकबंदी के माध्यम छोटे छोटे चक्कों को मिलाकर एक बड़े चक बनाया गया, जिससे उन पर वैज्ञानिक कृषि की जा सके, तो मतलब अच्छे से हार्वेस्टर वगैरह से उसकी कटाई हो सके ये सब, तो उसके बाद जुताई वगैरह कादेश हो सके, तो मतलब छोटे छोटे चक रहेंगे तो इससे ये चकबंदी से किसानों को फायदा होता है, इसके लिए ये चकबंदी सिस्टम लाया गया। उसके बाद इस कार्यक्रम के अंतर्गत सरकारी कृषि को भी प्रोत्साहित किया गया, तो जो कि यहाँ दिया गया तो इस कार्यक्रम के अंदर सरकारी कृषि को भी प्रोत्साहित किया गया, तो मतलब जो सरकारी कृषि थी उसको भी प्रोत्साहित किया गया। उसके बाद हरित क्रांति, तो हरित क्रांति क्या होता है उसको हम जानेंगे कि हरित क्रांति के जनक कौन थे, हरित क्रांति क्या होता है, हरित क्रांति के क्षेत्र में कैसे कैसे क्या होता है, तो आप बस बने रहिए, बाकी मेरा काम है हम धीरे धीरे पूरी श्रृंखला ख़त्म करें। तो हरित क्रांति भारत में कृषि उत्पादन तथा उत्पादकता में तीव्र वृद्धि लाकर भारत को खाद्यान्न क्षेत्र के आत्मनिर्भर बनाने हेतु कार्यक्रम का एक समुच्चय था, तो जो कि यहाँ पे हरित क्रांति का मेन उद्देश्य पूछता है कि हरित क्रांति का प्रॉपर उद्देश्य क्या था, तो यहाँ पे वही दिया गया कि हरित क्रांति भारत में कृषि उत्पादकता एवं उत्पादकता में तीव्र वृद्धि लाकर, जो कि यहाँ दिया है भारत को खाद्यान्न क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाकर ने हेतु अन्य कार्यक्रमों का समुच्चय था। तो उसके बाद मेक्सिको के एक वैज्ञानिक नॉर्मल बोरलॉग ने बीजों का अनुसंधान कर अधिक उत्पादकता वाले बीजों की खोज की। तो मेक्सिको के जो एक वैज्ञानिक थे नॉर्मल बोरलॉग ने बीजों पर अनुसंधान कर अधिक उत्पादकता वाले बीजों की खोज की। और उसके बाद और आगे तो वो जो कि यहाँ पे पूरी श्रृंखला जारी रहेगी पूरी, इसके बाद और आगे के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो इन बीजों को उचित सुविधाएं एवं संरक्षण मिलने पर इससे काफ़ी अधिक मात्रा में उत्पादन प्राप्त किया जा सकता था। तो जो कि ये बीज वगैरह थी तो इस बीज को अधिक एक उचित मात्रा में उत्पादित करके जो मतलब यहाँ पे वैज्ञानिक कृषि से जो कृषि खेती किए जाते तो वो जो कुछ ऐसे ऐसे बीज थे, तो यहाँ मेक्सिको के वैज्ञानिक नॉर्मल बोरलॉग ने बीजों के अनुसंधान के अधिक उत्पादकता वाले बीजों की खोज की। तो जो अधिक बीज तो इसका उस बीज का प्रयोग करके अधिक से अधिक एक पैदावार वगैरह सब किया जाए, तो यही सब दिया गया है। रही बात तो अब बने रहिए, पूरी श्रृंखला हम खत्म करेंगे। तो इसी कारण बोरलॉग जो कि यहाँ पे, तो बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। तो और आगे जो कि पूछा गया है ये सब क्वेश्चन कि हरित क्रांति के जनक किसे माने, तो बोरलॉग। उसके बाद हरित क्रांति भारत में हरित क्रांति के जनक, तो जब भारत में पूछेगा तो हरित क्रांति के, तो एम एस स्वामीनाथन को आप मारेंगे। तो एम एस स्वामीनाथन मेक्सिको की पद्धति को भारत में अपनाने पर बल दिया, तो इसलिए भारत भारतीय कृषि आत्मनिर्भरता बनाने की नींव रखी। तो भारत में रही तो वैसे तो बोरलॉग को माना जाता है, रही तो ये सब का थोड़ा सी कन्फ्यूजन करने वाले क्वेश्चन है। तो भारत में जब पूछेगा तो एम एस स्वामीनाथन, तो वैसे तो यहाँ पे बोरलॉग भी हैं, तो क्योंकि बोरलॉग जो बीज थे तो ज़्यादा पैदा करने के लिए सब डिस्कस किए थे। रही तो और आगे हम श्रृंखला बढ़ाएंगे, तो आप बने रहिए। यहाँ पे बोरलॉग साहब को डिस्कस किए, इसके बाद हरित क्रांति की पूरी श्रृंखला यहाँ पे जारी रहेगी। बस आपको का काम है धीरे धीरे इसे माई इंडिया चैनल के साथ बने रहना। और रही बात तो
और चाहे स्थिति परिस्थिति कुछ भी रहे, हम धीरे धीरे ये आपको पूरी श्रृंखला खत्म करेंगे। तो यहाँ पे हरित क्रांति में यहाँ पे जनक स्वामीनाथन ने मैक्सिको की पद्धति को भारत में ही अपने आने पर बल दिया, भारतीय कृषि को आत्मनिर्भर बनाने की नींव रखी। इसके बाद हरित क्रांति एक पैकेज कार्यक्रम था जिसके अंतर्गत उच्च उत्पादकता वाले बीज जिसे HYB की उर्वरा एवं सिंचाई के माध्यम से पोषण दिया गया तथा कीटनाशकों के माध्यम से इसे, तो जो कि यहाँ पे दिया गया, तो कीटनाशकों के माध्यम से इसे संरक्षित किया गया। उसके बाद इसके अतिरिक्त कृषि को आधुनिक एवं वैज्ञानिक बनाने हेतु कृषि में मशीनीकरण को ही बढ़ावा दिया गया। तो जो कि हम देखते तो कृषि के अतिरिक्त इसके अतिरिक्त कृषि के आधुनिकरण एवं वैज्ञानिक बनाने के लिए कृषि में मशीनीकरण वगैरह सब जो सिस्टम लाया गया कि ताकि मशीनीकरण हो सके, तो कृषि एवं प्रौद्योगिकी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आते हैं तो उसको ही कह लीजिए या चाहे जो कह लीजिए, यहाँ से ये इंडियन इकोनॉमी कह लीजिए, कृषि या प्रौद्योगिकी मेन प्रॉब्लम है। तो UPSC में जो क्वेश्चन आते हैं तो उसके बाद PCS वगैरह तो वही सब यहाँ पे डिस्कस किए। इसके अतिरिक्त कृषि को आधुनिक एवं वैज्ञानिक बनाने हेतु कृषि में मशीनीकरण को भी बढ़ावा दिया गया। उसके बाद प्रायोगिक तौर पर वर्ष 1960 से 1961 में ग्रहण कृषि जिला कार्यक्रम के तहत इसे अपनाया गया, जिसे 1966 में एक दूसरे देश में लागू किया गया। तो यहाँ पे दिया गया प्रयोग के तौर पे 1960 से 1961 तक कृषि कार्यक्रम के तहत इसे अपनाया गया था, 1966 में दूसरे देश पर भी लागू किया गया। उसके बाद द्वितीय हरित क्रांति में फसल के दायरे तथा क्षेत्रों में वृद्धि के साथ साथ कृषि पद्धति को संपोषणी बनाने हेतु कार्बनिक कृषि को अपनाने पर जोर दिया गया। तो जो दिया गया तो उसी को हम डिस्कस करेंगे। तो द्वितीय हरित क्रांति में फसलों के दायरे के क्षेत्र में वृद्धि के साथ साथ कृषि पद्धति को संपोषणी बनाने हेतु कार्बनिक कृषि को अपनाने पर जोर दिया गया। उसके बाद इसमें पूर्व उत्तर भारत जो कि यहाँ पर दिया गया, तो इसमें पूर्व उत्तर भारत समेत जो कि यहाँ पर अनेक क्षेत्रों पर फोकस किया गया। तो यहाँ पर दिया गया तो इसमें पूर्व उत्तर समेत अनेक क्षेत्रों पर फोकस किया गया, इसके जहाँ तक संभाव्यता हो, परंतु हरित क्रांति सफल नहीं हो पाई थी। तो जो कि उस समय ये सफल नहीं हो पाई थी। तो ये वीडियो और आगे ले चलने तो आपका काम है सुनना, और हम धीरे धीरे पूरी श्रृंखला खत्म करेंगे। तो उस समय ये सफल नहीं हो पाई थी। एक पॉइंट और यहाँ पे है, तो इसमें दलहन जैसी फसलों की उत्पादकता पर ही फोकस किया गया था। तो जो दलहन की उत्पादकता वगैरह है तो उसको भी यहाँ पे फोकस किया गया था। तो यहाँ पे कृषि में वित्त जो होते हैं तो उसको यहाँ पे जारी करेंगे, बाकी आपका काम है सुनना। तो हम धीरे धीरे पूरी श्रृंखला खत्म करेंगे। तो कृषि में वित्त क्या होता है, तो कृषि वित्त की आवश्यकता अलग अलग समस्याओं के लिए होती है। तो कृषि में जो वित्त होती है उसकी आवश्यकता अलग अलग समस्याओं के लिए होती है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो अब के लिए इतना ही, रही बात तो पूरी श्रृंखला हम ज़्यादा बड़ा बना देंगे तो अब उबने भी लगेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।